अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई और लगभग 10 दिन बाद राम मंदिर आंदोलन के एक नायक को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार ने बीजेपी के शिखर पुरुष को देश के सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजने का निर्णय किया तो इसके कई सारे कारण हैं। दिलचस्प ये भी कि राजनीति में लालकृष्ण आडवाणी नरेंद्र मोदी के गुरु कहलाते हैं, जिनका अपने शिष्य से रिश्ता बेहद खट्टा मीठा रहा है। करोड़ों हिंदुस्तानियों को बहुत प्रसन्नता उनके चेहरे पर लाई है। लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से गौरवान्वित करना ये पूरे देश के लिए और हम सब के लिए बहुत गौरव का क्षण है। देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में एक लालकृष्ण आडवाणी भारत रत्न हो गए। कभी आडवाणी के राजनीतिक शिष्य कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी ने शनिवार सुबह माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर जब ये सूचना देश को दी, तब अचानक गुरु शिष्य की कई कहानियां सतह पर आ गईं। देश ने हम सबके आदरणीय नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। ये सम्मान राष्ट्र सेवा की परंपरा के सम्मान के हम सब कार्यकर्ताओं का भी सम्मान है। अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ मैं भारत रत्न स्वीकार करता हूँ जो आज मुझे प्रदान किया गया है। यह न केवल एक व्यक्ति के रूप में मेरे लिए सम्मान की बात है, बल्कि उन आदर्शों और सिद्धांतों के लिए भी सम्मान की बात है जिनकी मैंने अपनी पूरी क्षमता से जीवन भर सेवा की। आज मुझे दो व्यक्ति कृतज्ञता पूर्वक याद आ रहे हैं जिनके साथ मुझे घनिष्ठता से काम करने का सम्मान मिला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी। यूं लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न चौंकाता नहीं, वो उस पीढ़ी के चुनिंदा राजनेताओं में एक हैं जिन्होंने विभाजन की त्रासदी देखी, जिन्होंने जनसंघ और बीजेपी की स्थापना में अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने इमरजेंसी का दंश झेला और जेल काटी, जिन्हें नैतिकता का बोध रहा, लिहाजा हवाला कांड में आरोप भर लगा तो संसद से तत्काल इस्तीफा दे दिया, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को खड़ा करते हुए एक धार्मिक मुद्दे को राष्ट्रवाद के उस रंग में रंग दिया जिसके आसरे कभी दो सदस्यों वाली पार्टी को देश की सबसे बड़ी पार्टी बनने की राह मिल गई। लेकिन आडवाणी की कहानी में मोदी की कहानी भी एक ऐसे किस्से के रूप में दर्ज है जो न केवल दिलचस्प है बल्कि देश की सियासत को बदलने वाला मोड़ भी है। माता की जय। 1987-88 में नरेंद्र मोदी को संघ से बीजेपी में डेपुटेशन पर भेजा गया था और इसी दौर में आडवाणी 1984 की जबरदस्त हार से उबरने के लिए पार्टी को खड़ा कर रहे थे। आडवाणी ने मोदी को पार्टी की गुजरात इकाई का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बना दिया। 1989 में आडवाणी पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते थे, लेकिन जब 1991 में फिर चुनाव हुए तो आडवाणी ने मोदी से गुजरात में एक सुरक्षित सीट खोजने को कहा। नरेंद्र मोदी सोमनाथ से अयोध्या तक की आडवाणी की रथ यात्रा में गुजरात चरण के प्रभारी थे और जिस अंदाज में उन्होंने इसे सफलता दिलाई थी उससे आडवाणी बेहद प्रभावित हुए थे। ऐसे में मोदी ने गांधीनगर सीट का सुझाव दिया तो आडवाणी ने फौरन मान लिया। दरअसल आडवाणी जिस नई दिल्ली सीट से जीते थे उस सीट पर कांग्रेस ने सुपरस्टार राजेश खन्ना को उतारने का फैसला किया था। आडवाणी जीते तो दोनों सीटें, लेकिन नई दिल्ली सीट से सिर्फ 1600 वोट से। आडवाणी गांधीनगर से लोकसभा सांसद बने और उनका नरेंद्र मोदी से विशेष जुड़ाव हो गया। इसका लाभ मोदी को उस वक्त मिला जब गुजरात दंगे के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। लेकिन आडवाणी इस विचार के खिलाफ थे। खुद लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में लिखा,
गोधरा में बड़ी तादाद में कार सेवकों के मारे जाने के बाद गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हो गए थे, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने मोदी के इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ा दिया था। एनडीए में भी कुछ पार्टियां और बीजेपी में भी कुछ लोग मान रहे थे कि मोदी को इस्तीफा देने के लिए कहा जाना चाहिए, लेकिन मेरी राय इसके बिल्कुल उलट थी। फिर 2004 में जब इंडिया शाइनिंग का नारा ध्वस्त हुआ और 2009 आने से पहले तय हो गया कि आडवाणी के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन 2009 में आडवाणी का करिश्मा भी धराशायी हो गया। इसके कुछ दिन बाद नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार गुजरात के सीएम के तौर पर हैट्रिक जमा दी। पार्टी के एक बड़े वर्ग को लगने लगा कि मोदी को बतौर पीएम प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। जून 2013 में गोवा के आसमानों पर बादल छाए थे। इस मौसम में बीजेपी कार्यकारिणी के इरादों पर आडवाणी के इरादे बिजली की तरह बरसे। दरअसल कार्यकारिणी नरेंद्र मोदी को प्रचार समिति के अध्यक्ष के रूप में पेश करके उन्हें पार्टी में नंबर वन घोषित करने का मन बना चुकी थी, लेकिन आडवाणी इसके लिए तैयार नहीं थे। वो गोवा नहीं पहुंचे। आखिरी वक्त तक दिल्ली एयरपोर्ट पर एक विमान खड़ा रहा कि अगर आडवाणी जाएंगे तो फौरन पहुंच सके। आडवाणी का मानना था कि मोदी के नाम के ऐलान से वोटों का ध्रुवीकरण होगा। वो नाम का ऐलान बाद में चाहते थे, इस लिहाज से एक बार और अपना दावा ठोकना चाहते थे, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं का मोदी के पक्ष में दबाव इतना था कि आडवाणी साइडलाइन हो गए। गोवा कार्यकारिणी के एक दिन बाद ही आडवाणी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी, संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से इस्तीफा दे दिया, लेकिन तब तक पार्टी मन बना चुकी थी कि भविष्य की राह क्या होगी। और सच ये भी कि 2014 आते आते लाल कृष्ण आडवाणी भी देश का मूड समझ चुके थे। ताकि हम यहां से जब जाएं तो मन में यह दृश्य देख करके जाएं कि जून के महीने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी थे। सशक्त और फौलादी इरादों के साथ साथ जिसके अंदर संवेदनशीलता है, ऐसा नेतृत्व यदि किसी के पास है वह केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है, और उस नेतृत्व का नाम है श्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें हम अपने प्रधानमंत्री के रूप में 2014 के लोकसभा चुनाव में देखना चाहते हैं। दरअसल गुरु शिष्य का यह रिश्ता आसानी से समझना मुश्किल है। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? कतई नहीं हो सकती। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने के बाद आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में डाला, लेकिन आडवाणी ने भी कभी ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे नरेंद्र मोदी या पार्टी असहज हो जाए। नरेंद्र मोदी सरकार में 2015 में लाल कृष्ण आडवाणी को पद्म विभूषण से नवाजा गया, और अब 2024 में पार्टी के शिखर पुरुष को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का निर्णय किया है। यह निर्णय बहुत ही सुखद अनुभव देता है और सुख की अनुभूति देता है। आडवाणी जी हमारे उन नेताओं में से हैं, पहली पीढ़ी के नेता हैं, जिन्होंने बाल्यकाल से ही देशभक्ति के साथ अपने आप को जोड़ते हुए देश को मजबूत करना और राष्ट्रीयता की भावना से राजनीतिक दल में, भारतीय जनसंघ में और बाद में भारतीय जनता पार्टी में काम किया। आज तक ब्यूरो। लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने राजनीतिक जीवन में कई सारी यात्राएं की हैं, लेकिन सोमनाथ से अयोध्या तक की उनकी रथ यात्रा ने देश की राजनीति का मिजाज बदल कर रख दिया। इस यात्रा के गुजरात चरण को सफल बनाने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को दी गई थी।
यात्रा से एक दिन पहले लालकृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन जब सोमनाथ मंदिर के पास वेरावल गांव पहुंचे तो उन्हें ना पार्टी के पोस्टर वहां दिखाई दिए और ना ही झंडे। आडवाणी को डर लगा कि कहीं यात्रा फ्लॉप ना हो जाए, लेकिन जब यात्रा शुरू हुई तो हजारों लोग यात्रा में शामिल होने के लिए सड़कों पर मौजूद थे। ये यात्रा भले ही अयोध्या तक न पहुंच पाई हो, लेकिन बीजेपी इस यात्रा के द्वारा उस राह पर चल पड़ी थी जहां से उसे मंजिल मिलनी थी। लेकिन 1990 तक यह सपना था और इस सपने को सच करने की कई कहानियों में एक कहानी लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा भी है। बीजेपी के सहयोग से बनी वीपी सिंह की सरकार ने वादा किया था कि सत्ता संभालने के 4 महीने के भीतर राम मंदिर विवाद का समाधान खोज लिया जाएगा। 6 महीने बाद भी कुछ नहीं हुआ तो बीजेपी ने दबाव बढ़ा दिया। उधर मंडल कमीशन की सिफारिशों के लागू होने के बाद उसकी काट के लिए बीजेपी ने कमंडल की राजनीति तेज की और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े नेताओं ने 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवा की योजना तय की। आडवाणी मानते थे कि कांग्रेस को हराकर बनी जनता दल सरकार लोकतांत्रिक ताकतों की बड़ी जीत है, तो वो सरकार को गिराना नहीं चाहते थे, लेकिन राम मंदिर को लेकर दबाव भी था। 13 अगस्त 1990 को दिल्ली के एक कार्यक्रम में उन्होंने मुस्लिम नेताओं के सामने एक प्रस्ताव रखा कि अगर वो राम जन्मभूमि से अपना दावा स्वेच्छा से हटा लें तो वो विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को निजी तौर पर गुजारिश करेंगे कि वो मथुरा और वाराणसी की अपनी मांग पर जोर ना दे। मुस्लिम नेताओं ने पेशकश को ठुकरा दिया और पार्टी का ध्यान कार सेवा पर लग गया। देश भर में कार सेवा समितियों का गठन होने लगा। सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू करने के दौरान अपने दिए गए भाषण का अंत आडवाणी ने एक नारे से किया। उन्होंने कहा, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। 25 सितंबर 1990 को यात्रा शुरू हुई तो अपार जनसमूह देखकर सब दंग रह गए। वरिष्ठ पत्रकार अजय सिंह ने अपनी किताब द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू बीजेपी में लिखा है कि गुजरात में लोगों का हुजूम देखकर प्रमोद महाजन ने आडवाणी से कहा कि आप महाराष्ट्र में ऐसे समर्थन की उम्मीद मत करिएगा। जब आडवाणी समस्तीपुर के सर्किट हाउस में थे तब देर रात करीब 2 बजे लालू यादव ने पत्रकार बनकर फोन किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि आडवाणी के साथ कौन कौन है। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रथ यात्रा तो रुक गई, लेकिन 29 अक्टूबर को कार सेवक विवादित स्थल पर पहुंचने लगे। मुलायम सिंह ने बल प्रयोग का आदेश दिया। इस घटना के बाद कई जगह सांप्रदायिक तनाव और माहौल बिगड़ने की खबरें आईं, तो वीपी सिंह ने मुलायम सिंह से जवाब मांगा। मुलायम सिंह कहते रहे कि हालात नियंत्रण में है, लेकिन 2 नवंबर को कार सेवक फिर विवादित स्थल पर पहुंचने लगे। इस बार मुलायम ने गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। कई कार सेवक मारे गए। मुलायम सफाई देते रहे, लेकिन बात उनके हाथ से निकल चुकी थी। वो उनकी राजनीतिक मजबूरी का वो काल है और वो राजनीतिक निष्ठा का सवाल नहीं है। उस राजनीतिक मजबूरी में उसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर उनके पास विकल्प होता, मान लीजिए, तो वो कल्याण सिंह से बड़े हिंदू नेता। आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद केंद्र की सियासत में भूचाल आ गया। बीजेपी ने केंद्र की वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, जबकि कार सेवा के दौरान कार सेवकों पर गोली चलाने की वजह से बीजेपी ने मुलायम सरकार से भी समर्थन वापस ले लिया। रथ यात्रा के बाद हुए 1991 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पिछले चुनाव की 88 सीटों के मुकाबले 120 सीट हासिल की और उसका वोट प्रतिशत 11% से बढ़कर 20% तक पहुँच गया था। बीजेपी नेताओं के लिए राम मंदिर का मुद्दा आस्था से तो जुड़ा था ही, सियासी लाभ का मुद्दा भी हो चुका था।
आज तक ब्यूरो।